दोस्तों, ए वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने दीपावली को बहुत इंजॉय किया होगा, और मेरी तरफ से सभी लोगों को गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैंने वन वर्ड को लेकर बनाया, और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं वन वर्ड के साथ साथ एक्चुअली आप लोग को हिंदी मीनिंग भी बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ए पर्सन हु इज वेरी क्रूल, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रूल होता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। एक पर्सन जो बहुत ही क्रूल होता है, क्रूल मतलब जो बहुत ही निर्दयी होता है। दोस्तों क्या होता है, बहुत ही निर्दयी होता है ना, बिल्कुल भी किसी के लिए सॉफ्ट हार्ट नहीं रहता। उसको हम बोलते हैं फिंड। क्या बोलेंगे दोस्तों, फिंड मतलब क्रूर। क्या बोलना है, क्रूर। यू कैन से एक दुष्ट आदमी जो होता है उसको फिंड कहा जाता है। क्या दोस्तों, दुष्ट व्यक्ति, या यूं कहिए दुष्ट आदमी। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, फिंड मतलब समझिए, ऐसे याद कर लेते हैं, ये किसी का भी फ्रेंड नहीं है। और जो फ्रेंड नहीं है भैया, वो तो फिर क्रूर वाला ही काम करेगा ना। आइए बात करते हैं, वन वर्ड टू है आपके पास। ए व्हीकल विच इज यूज टू कैरी ए डेड बॉडी, एक व्हीकल जो हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए दोस्तों, डेड बॉडी को ले जाने के लिए। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उस व्हीकल को, जिसको आप अंतिम यात्रा व्हीकल बोलते हैं, अंतिम यात्रा वाहन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हस। इसमें आर साइलेंट रहता है, क्या बोलेंगे, हस, HERSE। बहुत अच्छा वर्ड है ना, क्या बोलना है बच्चों, हस। तो उस व्हीकल को हस बोला जाता है, डेड बॉडी को जो लेकर जाता है। द वर्ड हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक ऐसा वर्ड जिसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है, उस वर्ड को बोला जाता है दोस्तों एब्स्ट्रस। एक्चुअली इसका मतलब है गूढ़। हम कहते हैं ये बहुत ही गूढ़ शब्द है, जिसका जिसको समझना बिल्कुल भी आसान ना हो। यू कैन से डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो भी आप कह रहे हैं जिसको समझना आसान नहीं होता किसी भी पर्सन के लिए, मतलब जो थोड़ा सा टफ वर्ड है, जनरली सबको नहीं समझ में आता, जिसको समझना मुश्किल है, तो उस वर्ड को बोलेंगे एब्स्ट्रस। क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रस। आगे बढ़ते हैं, फोर है आपके पास। ए होल बॉडी ऑफ वीज अर्नर्स, मतलब एक पूरी होल बॉडी है। होल बॉडी मतलब पूरा एक ग्रुप है ना, सारा मिला के पूरा एक ग्रुप बना है। किसको, वीज अर्नर्स। मतलब देखिए, वीज मतलब जो तनख्वाह कमाते हैं, जो पैसे कमाते हैं, यूं कहिए मजदूरों का जो एक पूरा ग्रुप है, मजदूर वर्ग जिसे बोला जाता है हिंदी में। हम कहते हैं भाई ये मजदूर वर्ग है, भाई वो लोग जो डेली खाते हैं, डेली काम करते हैं, है ना, तनख्वाह बेसिस पर। तो उस पूरे वर्ग को बोला जाता है दोस्तों प्रोलिट्रेट। क्या बोलेंगे, प्रोलिट्रेट। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्या, प्रोलिट्रेट। बहुत अच्छा वर्ड है, मजदूर वर्ग कहिए, पूरा मजदूर तबका जो कहा जाता है उसको बोला जाता है प्रोलिट्रेट। भाई जर्नली ये लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ये यूं कहिए 15 दिन की सैलरी लेते हैं या एक महीने की जो सैलरी लेते हैं, लेकिन जो मजदूरी करते हैं स्पेशली उनके लिए वर्ड है। जैसे आप लोग सब जानते हैं भाई, दिहाड़ी कमाने वाले जो जर्नली लोग हैं, पूरा जो ग्रुप है उस ग्रुप को पूरा प्रोलिट्रेट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिफ्थ, दैट विच इज कॉर्प्स लाइक। कॉर्प्स मतलब होता है सब, मतलब जब हम कहते हैं ना बस इसमें कुछ नहीं बचा है, ये तो एकदम लाश हो गया है, तो क्या, कैडेवरस। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या वर्ड है दोस्तों, कैडेवरस, लाश जैसा, मृतक एकदम। जैसे हम लोग कहते हैं भाई कोई कोई सांस चल रहा है, कई बार देखा होगा, या फिर हम कहते हैं देखो वो ना बिल्कुल लाश जैसा लग रहा था, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं थी। कैडेवरस, लाश जैसा, है ना, सब जैसा, जिसको हम बोलेंगे, एडजेक्टिव है कैडेवरस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, ए टेम्पल डेडिकेट टू ऑल द गॉड्स, एक ऐसा मंदिर बनाया गया है दोस्तों जो सारे भगवानों का मंदिर है, सारे भगवान उस मंदिर में, क्या बोलेंगे, पेंथियोन, सर्वेश्वर मंदिर। आपने सुना भी होगा हिंदी में भी मेरे प्यारे दोस्तों, क्या, सर्वेश्वर मंदिर, मतलब जहां पर सारे भगवान हैं, सर्वेश्वर मंदिर जिसको कहा जाता है उसको पेंथियोन कहा जाता है मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, साइंस ऑफ टाइम, साइंस ऑफ टाइम, टाइम को मैनेज करने की जो साइंस है, वो टाइम को यूज कैसे करें, है ना, एक्चुअली यूं कहिए जिसमें टाइम की स्टडी की जाती है, भाई किस समय कौन सा टाइम आने वाला है, अब अच्छा टाइम है, बुरा टाइम है, ये टाइम आएगा तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, है ना। तो साइंस का पूरा मैनेजमेंट जो हम
जिस साइंस में हम लोग करते हैं उस साइंस को बोला जाता है हॉरोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों? हॉरोलॉजी। उम्मीद करता हूं मेरी बात क्लियर होगी। होगी बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके पास, एट, ए पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। अक्सर आप देखते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक कंट्री की जो पॉलिसी है अपने साम्राज्य को बढ़ाने की, अपने एम्पायर को बढ़ाने की, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करके, कैसे, बाय हुक एंड बाय क्रुक। जैसे अगर बात कर रहे हैं, देखिए चाइना क्या है, इंपेरियलिज्म तो करता है, साम्राज्यवाद। भाई चाइना की जो नीति है वो क्या है? साम्राज्यवाद बढ़ाने की है ना दोस्तों। वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता रहता है, कभी किसी देश को कब्जा करने की सोचता है, कभी किसी देश पर कब्जा करने की सोचता है, वो यही तो कर रहा है। तो चाइना में क्या है? इंपेरियलिज्म है। और कोई भी कंट्री या कोई भी, आप कह सकते हैं कोई भी स्टेट, जो अपने या किसी भी राजा की सत्ता ही हो सकती है, कोई भी राजा जब अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करता है तो क्या कर रहा है? वो इंपेरियलिज्म कर रहा है। इंपीरियल सब लोग जानते हैं, इंपीरियलिज्म कर रहा है वो एक्चुअली। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या? इंपेरियलिज्म, इंपीरियल से याद कर लू, उसमें ऐसी लगा दिया है। इंपीरियलिज्म कहा जाता है साम्राज्यवाद को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाइन है, ए पर्सन हु यूज डिसरप्टिव। डिसरप्टिव का मतलब होता है एक्चुअली एक तरह से गलत चीजें, हानिकारक होता है वैसे डिसरप्टिव का मीनिंग। एक पर्सन जो है डिसरप्टिव फोर्सेस यूज करता है टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस। डिसरप्टिव मतलब जो चीजें विनाश कर दें, मतलब एक ऐसी फोर्स यूज करता है, एक तरह से रोंग फोर्स यूज करता है, क्या करने के लिए? पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस लाने के लिए। तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस पर्सन को बोला जाता है उग्रवादी या चरमपंथी। चरमपंथी समझते हैं ना, ऐसे पर्सन भाई देखो जिनका सोशल चेंजेस लाने हैं, उनको समाज में चेंजेस लाने हैं और पॉलिटिकल चेंजेस लाने हैं, तो वो ना एक एक फोर्सेस, मतलब क्या, एक ऐसा फोर्स का यूज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फोर्सेस का यूज करेंगे, मतलब गलत तरीकों से चीजों का यूज करेंगे बाय फोर्स, वो प्रेशर के थ्रू, या फिर दोस्तों यूं कह सकते हैं चाहे वो आपकी सेना ही क्यों ना हो, मतलब ऐसे प्रेशर्स का यूज करेंगे जो अनैतिक है कहीं ना कहीं, जो मैं ये कहूंगा जो आ, आ, जो ऐसे फोर्सेस जो एक्चुअली यूं कहिए जो जिनके तौर तरीके सही नहीं है, अनैतिक है ना, क्या बोलेंगे? अनैतिक तरीके से चेंजेस करता है, उस पर्सन को बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट या दोस्तों उग्रवादी। उग्रवादी समझते हैं ना, चरमपंथी कह सकते हैं क्या, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आज का, टेन, ए पर्सन हु फ्लाइज ए सूट। सूट मतलब केस। जैसे आप लोग ना फाइल फाइल सॉरी 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 फाइल्स फ्लाइज सॉरी फॉर दैट, ए पर्सन हु फाइल्स ए सूट। मैंने उसको FLIES पढ़ लिया, एक्चुअली फाइल्स है, FILES। फाइल मतलब दायर करना। जैसे एक पर्सन जो है केस दायर करता है, जैसे आप है ना किसी के खिलाफ कोई केस डाल देते हैं तो आपको बोला जाएगा क्या? प्लेंटिफ, मुकदमा करने वाला पर्सन है ना। हिंदी में इसको वादी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वादी। एक ऐसा पर्सन जिसने मुकदमा डाल दिया है, तो मुकदमा करने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? सॉरी, प्लेंटिफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेंटिफ। एक्चुअली जैसे आपको किसी ने मारा है, पीटा है, और आप उसके खिलाफ, आप उस पर्सन के खिलाफ जो मुकदमा डालते हैं, तो आप उसके लिए क्या हुए? प्लेंटिफ हुए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, मिलते हैं जल्दी लाइव क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।